सर्वम इंस्टीट्यूट प्रेजेंट्स शॉर्ट टॉक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आप सब देखना चालू कर चुके हैं शॉर्ट टॉक्स प्रेजेंटेड बाय सर्वम इंस्टीट्यूट। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज होती है कि उन्हें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर वो तैयारी करनी कर रहे हैं तो वो तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी वो अपनाए कि उन्हें इवेंचुअली सक्सेस मिले, और आपकी बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं अपनी स्टडीज के रिलेटेड, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए सर्वम इंस्टीट्यूट ने अपना ये नया सेगमेंट स्टार्ट किया है जिसका नाम है शॉर्ट टॉक्स। आज हम लोग अपने कुछ पुराने स्टूडेंट से बात करने जा रहे हैं जो अभी IITs में पढ़ रहे हैं, तो उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जिससे उनका सिलेक्शन हुआ, जिससे वो IITs में पहुंचे। तो आइए मिलते हैं अपने पहले स्टूडेंट से, ऋषि वाघेला। ऋषि वाघेला करंटली ही इज स्टडिंग इन IIT रुड़की। ठीक है, तो मिलते हैं ऋषि वाघेला से। हेलो सर, और कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, आप बताओ? बस बढ़िया। और लॉकडाउन कैसा चल रहा है? लॉकडाउन ठीक ठाक चल रहा है, घर पे है तो सही है, सब अच्छा चल रहा है। मिसिंग मुंबई, सॉरी मिसिंग रुड़की। नहीं, ऐसे ज्यादातर याद तो नहीं आती, बट ठीक है, चलता है उसमें। फिर भी कॉलेज है, कॉलेज से लेकर होगी ना? हाँ वही है बस। चलो अब यहाँ पे जो भी अपने व्यूअर्स है उन्हें थोड़ा बहुत बताना अपने बारे में, क्या आपकी ट्रेनिंग कैसी रही, क्या क्या माइलस्टोन सेट किए थे यहाँ तक पहुँचने के लिए, आप बताएं व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ लिविंग इन नवसारी एट एन IIT। नवसारी में रहना मतलब इट्स नॉर्मल लाइफ, मतलब घर पे रहते हैं, मम्मी पापा के साथ खाना रहना, दोस्तों के साथ घूमना। कॉलेज में फुल, क्या बताऊँ आपको, फुल फ्रीडम है, फुल एन्जॉयमेंट है, आप जो चाहे कर सकते हैं। पढ़ाई तो खैर सबसे अच्छी हो ही जाती है, बट अपने शौक है, अपनी कुछ रिक्वायरमेंट है, अपना जो मन करता है वो सब कर सकते हैं। लाइफ में बहुत सारा चेंज आया, देखने का नजरिया बदला, सोचने का नजरिया बदला, मतलब अगर देखना सोचना बदल गया तो मतलब काफी कुछ चेंज हुआ है लाइफ में अभी। तो कैसा लग रहा है? हाँ, JEE क्लियर करने के बाद IIT मिलने पे बहुत खुशी हुई थी, मतलब फूले नहीं समाये घर वाले, मैं खुद ऐसे नाच गाना मन कर रहा है, मिठाई बट रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होना ही था। हाँ, तो आप पड़ोस में भी ऋषि के नाम का डंका बज रहा होगा? हाँ बज जाता है, है ना, शर्मा जी के लड़के के बाद ऋषि ऋषि का नाम होगा। हाँ वही शर्मा जी टाइप वाली फीलिंग ज्यादा थी। तो इस जर्नी में जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? इलेवेंथ स्टैंडर्ड में ऐसे शुरू हुआ, मतलब एक बार कोटा जाने को मिला NTSC की वजह से, तो वहाँ पे पता चला कि ऐसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, IIT जैसा कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो यहाँ आने के बाद सीधा पता चला उजास इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ एनरोल हो गया और दूसरे दिन शुरू कर दिया। तो उजास इंस्टीट्यूट में आपने ज्वाइन किया, उजास के बारे में बताइए। उजास इंस्टीट्यूट मतलब बताइए। हाँ, उजास इंस्टीट्यूट मेरे लिए मतलब बहुत अहम रहा, 2 साल मतलब काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी नया सीखा, क्या करना है, कैसे करना है, मतलब VP सर, BR सर, कपिल सर, अंकित सर, आप सब ने मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मदद की मेरी, मतलब अगर आपसे नहीं पढ़ा होता तो शायद मैं नहीं कर रहा होता अभी IIT में पढ़ा, मान सकते हैं आप?
मेहनत तो आपकी भी थी ना उसमें। अब मेहनत थी, लेकिन मेहनत कहाँ करनी है, कितनी करनी है, वो सब भी देखना था। तो उसके लिए अच्छा मेंटर, अच्छा टीचर चाहिए था, तो वो सब मतलब। कपिल सर पूछ रहे हैं, कपिल सर का मैसेज आया कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी लास्ट टाइम में। स्ट्रेटेजी थी कि मेहनत करते जाओ जितनी ज़रूरी है, और कहाँ करनी है, बस कंसिस्टेंटली मेहनत करते जाओ। उसके अलावा तो और कोई मतलब ब्रह्मा ब्रह्म मंत्र ऐसा कुछ तो है नहीं कि ये कर लो तो हो जाएगा। बस मेहनत करते जाओ, कंसिस्टेंट कोचिंग रहो, फोकस का, रहो। कोचिंग का क्या रोल था आपकी जर्नी में? कोचिंग का बहुत बहुत ही बड़ा रोल था ऐसे मान सकते हैं आप, क्योंकि जो कुछ भी पढ़ना था, क्या पढ़ना था, कितना पढ़ना था, कब पढ़ना था, कैसे पढ़ना था, वो सब तो मुझे वैसे पता था नहीं कुछ भी। तो जो आपने बताया वो फॉलो किया, तब जाके हो पाया, मतलब पता चला कैसे करना है ये सब। तो जो अभी स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं जेडब्ल्यू और नीट के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जो भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए तो एक ही चीज़ कहूँगा कि वैसे ये छुट्टियों का लॉकडाउन की वजह से ऐसे बहुत लंबी छुट्टी मिल गई होगी, लेकिन फोकस्ड रहे, बिल्कुल भी मतलब आउट ऑफ टॉपिक ना जाए यार, कि मतलब करूँ या ना करूँ, नहीं हो पा रही मेहनत, तो ट्राई करते जाओ, थोड़ी थोड़ी तो अभी भी करते जाओ। कंसिस्टेंटली मेहनत करना ही ज़रूरी है, और अच्छी बिल्कुल गाइडेंस मिलना भी बहुत ज़रूरी है। अपनी मेहनत और टीचर लोगों की गाइडेंस, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और तो इतना सब करने के बाद मतलब डाउट्स भी बहुत आएंगे, तो डाउट सॉल्व करने वाला भी कोई चाहिए होगा। मेहनत में वो तो है, मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, मतलब ऐसे जल्दी जल्दी आराम से हो जाएगा ऐसे बोल तो लेते हैं लोग, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मेहनत और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट मेहनत कंसिस्टेंट होना चाहिए। हाँ, ऐसे बीच में छोड़ दिया, आखिर में छोड़ दिया, या छोड़ा फिर वापस पकड़ा, तो फिर मतलब चांसेस बहुत कम हो जाता है। जैसे मजे भी हम लोगों ने काफी देखा। तो अरे वो मज़े तो मतलब क्या ही बताएं आपको। लाइट जाते रात, हाँ रात के 10 से 2 तक क्लासेस चली थी, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था तब। लेकिन ऐसे 10 से 2 भी कोई लोड नहीं लगा था, या फिर ऐसे कुछ भी नहीं हुआ था कि कैसे कर पाएंगे, करेंगे या ना करेंगे, ऐसे मज़ा आया था उस क्लास में भी। चलो अच्छा है, ख्याल हाँ रखो अपना लॉकडाउन में। तो वैसे भी ओवर होने वाला है, कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा जीवन। हाँ कॉलेज स्टार्ट होने में वैसे अभी 1-1.5 महीना कम से कम लग जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन आया है, इज इट इम्पोर्टेंट टू ज्वाइन कोचिंग क्लास अलोंग विद स्कूल? मैं बोलूँगा अगर आप फोकस्ड है, आपने सोच लिया कि मुझे आईआईटी में ही जाना है, तो स्कूल के ऊपर कोचिंग नेसेसरी है। स्कूल जाए ना जाए वो दूसरी बात हो गई, कोचिंग नेसेसरी है, क्योंकि प्रॉपर मेहनत, प्रॉपर वे तो वही दिखा पाएंगे। ओके, कपिल सर का क्वेश्चन है, अभी लास्ट टाइम के जो लास्ट सिलेक्टेड कोर्स आते हैं, कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो उनसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है? लास्ट लास्ट में तो देखा जाए तो मैंने सोचना छोड़ दिया, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पेपर कैसा जाएगा, जो पढ़ा है उस पे ध्यान दिया और जाके पेपर दे दिया। अगर देखो आप जो 2 साल मेहनत करते हैं, उसका इफेक्ट 3 घंटे में निकाल पाना डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट ट्रिकी है थोड़ा। अगर आप थोड़ा सा भी प्रेशर में आ गए, या डर गए, या बैकआउट कर लिया, तो सिचुएशन बुरी हो जाएगी। उससे बेटर है कि जो 2 साल किया उस पे अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखे और पेपर दे दे, बस सोचना छोड़ दे कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। अगर पेपर अच्छा जाएगा तो होना ही है सिलेक्शन, तो पेपर पे ध्यान दे बस। तो अपनी सक्सेस का क्रेडिट आप उसे देते हैं? सक्सेस का क्रेडिट मैं पेरेंट्स को दूंगा काफ़ी ज़्यादा, अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा दूंगा, दोस्तों को भी दूंगा जिन्होंने साथ दिया, मतलब मेरी मदद की, मतलब तू ये कर मैं वो करके दिखाऊंगा, तो फिर ऐसे मोटिवेशन मिलता है कि ये कर लेता है तो मैं भी करूँगा। हेल्दी कंपटीशन। हाँ हेल्दी कंपटीशन मिली, फिर एकदम मतलब मैं तो बड़े भाई जैसे मानता हूँ, उतने अच्छे मेंटर मिलना ज़रूरी है। आप उनसे एकेडमिक नॉन एकेडमिक सारे डाउट पूछ ले, मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ क्वेश्चन में डाउट आया, मतलब क्या करना बिल्कुल चाहिए, अब कैसे करूँ, उसके बारे में भी पूछना पड़ेगा, काफ़ी सोचना पड़ता है, मतलब प्रॉब्लम्स आती है उनके बारे में पूछने के लिए एक मेंटर भी चाहिए, वो भी ज़रूरी है। तो आप सब टीचर्स लोगों को भी दूंगा काफ़ी क्रेडिट, पेरेंट्स बिल्कुल।
पेरेंट्स का तो हमेशा से सपोर्ट रहा ही है, उनको कैसे भूल चल सकते हैं। थैंक बच्चे, मिलते हैं। ओके सर, ओके सर, मिलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं, रुकती है। हाँ पक्का मिलते हैं। ओके बाय। ओके सर, बाय बाय सर, हैव अ गुड डे। यू टू। Now I am going to join Aditya Patel. Aditya Patel is pursuing BTech from IIT Mumbai. So let's join Aditya here. Strategy थी क्या इसकी? Study strategy थी? जानते हैं आदित्य से खुद ही। Hello Aditya, कैसा है? ठीक हूँ सर। और आम का सीजन कैसा चला है? अच्छा चल रहा है, अभी आम तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पता नहीं। ओके, सो कैसा रहा आईआईटी मुंबई जाना? अच्छा रहा सर, बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ सीखा वहां से, पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई। पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, मैंने सुना यूट्यूब पे भी आने लगा आईआईटी मुंबई जा। हॉस्टल में मतलब लोग वीडियो बनाते हैं, सिल्वर स्क्रीन करके एक हमारा क्लब है, तो okay. उसमें मतलब कॉमेडी वीडियो बनाते हैं हम लोग, कॉमेडी ये सब कुछ सीखते हैं। सो लाइफ कैसी है एक आईआईटीएन की? एक आईआईटीएन की लाइफ मतलब सर हमारे यहाँ तो कह सकते हैं कि बिजी है बहुत ही, मतलब टाइम, मतलब आपको अगर कुछ भी पर्सनल करना है तो उसके लिए आपको एक टाइम निकालना पड़ेगा, वरना आपके पास मतलब टाइम मतलब पूरा बिजी रहेगा ही। ओके, मतलब पूरा टाइम मैनेजमेंट, पूरे टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट करना। ओके, एंड व्हाट अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? एक्स्ट्रा करिकुलर में मतलब सब कुछ अवेलेबल मिल सकता है, आपको वाईफाई चाहिए वाईफाई भी स्पीडी है, अगर okay. आपको मतलब कुछ भी ऑनलाइन सीखना है या फिर कुछ भी मतलब कोई भी वीडियो देखने हैं या स्टडी के लिए, उसके बाद अगर आपको क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट का शौकीन हो आप, तो मतलब क्रिकेट के लिए भी एक अलग सा बड़ा ग्राउंड है, उसके प्रैक्टिस के लिए वो नेट भी है, हिटिंग नेट। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे आईआईटीएंस अलग अलग फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जीतू, जीतू भैया फ्रॉम कोटा फैक्ट्री इज ऑल्सो एन आईआईटीएन। या शुभमंगल ज्यादा सावधान में भी थे। ऐसे ऐसे क्या क्या अलग अलग चीजें सीख सकते हैं rather than studying, rather than being studious, और क्या क्या चीजें आईआईटी प्रोवाइड करता है आपके एक पर्सनालिटी ग्रोथ में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए? ओके सर, मतलब हमारे यहाँ अलग अलग क्लब्स है जो जो कि मतलब डांस क्लब है, आर्ट क्लब है, किसी को मतलब रीटिंग राइटिंग अच्छा है तो उसके लिए क्लब है, मतलब ऐसे अलग अलग क्लब्स है जिसमें मतलब जो हमारे सीनियर्स है वो लोग हमें गाइडेंस देते हैं कि अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे करें, उसके बाद उनकी कंपटीशन रखते हैं और उन कंपटीशनों का भी मतलब उसमें से लोग सीखते हैं कि कैसे करना है, लोगों को इंटरेस्ट आता है, उसके बाद मतलब अलग अलग फील्ड में ऐसे बाहर जाते हैं। ओके, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप यहाँ तक पहुंचे हो? मतलब ऐसा कहा तो मतलब मैंने, लोग बोलते हैं कि आप उनको गोल बनाओ, मतलब हमें ये गोल अचीव करना, मैं गोल नहीं बनाया, मैंने उसको ट्रॉफी बनाया कि मुझे ये ट्रॉफी अचीव करनी, तो मतलब ऐसे ही छोटे छोटे गोल बनाते गया ट्रॉफी के लिए कि मतलब पहले अपना फिजिक्स ठीक करूंगा, उसके बाद केमिस्ट्री ठीक करूंगा, उसके बाद मैथ्स ठीक करूंगा, उसके बाद ये दूसरे गोल्स है, तो वो सब ऐसे ऐसे सभी धीरे धीरे करके गोल अचीव करता गया, प्रैक्टिस करता गया, और जो भी पढ़ाई की थी प्रैक्टिस और रिवीजन वो दोनों करके मैं मतलब इस लेवल पर आज मतलब हाथ में ट्रॉफी लेकर खड़ा हूँ। चलो अच्छा है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर योर सक्सेस। तो बाकी जो लोग हैं तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मतलब उन लोग को भी मैं यही कहूंगा कि आप उनको मतलब चीज को गोल की तरह मत लो कि मतलब सिंपल लाइफ है
कि हमें यही करना है तो मतलब ये करना ही है, ऐसा ही लेके चलो। मतलब आप मेहनत कर रहे हो तो पूरी तरह से मेहनत उसमें ही लगाओ, ना कि आसपास की चीजों में ध्यान रखो। कि आप आईआईटी के लिए लगे हुए हैं तो आप आईआईटी के लिए ही मेहनत कीजिए, दूसरी चीजें के मतलब सोचे नहीं। कि आप मतलब जो मतलब लोग बोलते हैं कि मेहनत करते जाओ फल की चिंता मत रखो, यही चीज अपनाइए कि मतलब क्या होगा वो मत सोचा, सिर्फ मेहनत करते जाओ। तो व्हाट इज द रोल ऑफ कोचिंग इन योर लाइफ? सर कोचिंग का ये मेन रोल रहा है कि मतलब हम लोग को पता नहीं है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और क्या होगा। मतलब पेपर का हमें कोई पता नहीं, ना ही बोर्ड वालों सर टीचर लोग को पता होगा कि मतलब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब। तो मतलब कोचिंग में क्या है कि उन लोग को पता है कि उन लोगों ने ये एग्जाम मतलब क्लियर किया होगा या फिर उन पेपर दिया है, तो उसकी वजह से उनको मतलब एक पॉइंट ऐसा हो लगता है कि ऐसे क्वेश्चन बन सकता है या फिर एक ऐसे क्वेश्चन आ भी सकता है। तो कोचिंग का यही होता है कि उन लोग को पता होता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और उनकी वजह से हम उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हमें पता चलता है। अगर हम सिर्फ स्कूल की लाइफ से मतलब स्कूल में जो पढ़ाया जाएगा उससे हम नहीं सीख पाएंगे कि अगर ये ऐसा क्वेश्चन आया तो हम उसे कैसे सॉल्व करें। ओके, सो अपनी सक्सेस का क्रेडिट आप किसे किसे देना चाहेंगे? मेरी सक्सेस का क्रेडिट तो सर मैं अपने पेरेंट्स, अपने कोचिंग के इंस्टीट्यूट के सर, मेरे स्कूल के सर मतलब सर लोग, प्रिंसिपल, मतलब सबसे ज्यादा तो कोचिंग के सर लोग को ही, क्योंकि उनकी वजह से मेरा सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, उनकी वजह से मतलब ज्यादा प्रैक्टिस की हुआ। बिल्कुल पीपी सर, बलवंत सर, आप, उसके बाद हमारे अंकित सर, एमएसवी के कपिल सर, हरीश सर, हरीश सर, सौरभ सर, सौरभ सर की वजह से मतलब ज्यादातर कवर अप भी हुआ केमिस्ट्री का। बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद हमारे राशिद सर, उनकी वजह से मेरा ऑर्गेनिक ठीक हुआ। अच्छा रुचे, अपनी लाइफ में और भी ज्यादा अचीव करो तुम लोग। हम तो बस यही विश करते हैं, और अपने आसपास जो भी हैं अपने उन्हें भी गाइड करते चलो। हाँ सर ये अपना ख्याल रखो, हाँ सर स्टे सेफ और स्टे हैप्पी, ठीक है, और थैंक यू एंजॉय सर हर एक मोमेंट। ओके ओके थैंक यू सर बाय बाय। बाय। जैसा कि अभी आपने इन दोनों बच्चों को सुना, कंसिस्टेंट एफर्ट और अपने गोल को छोटे छोटे माइलस्टोन में तोड़कर एक कोई बड़ी चीज कैसे अचीव की जा सकती है ये हम लोगों ने यहाँ पर सीखा। इसके साथ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि अपने दिमाग का फोकस लूज ना होने दे और दिमाग पर कोई फालतू का प्रेशर ना आने दे, ताकि आप एग्जाम के उन 3 घंटों में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए। अंत में मैं बस यही कहकर कंक्लूड करना चाहूंगा, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट अस एट सर्वम इंस्टीट्यूट, ओल्ड LIC गली, नियर बस स्टैंड, चरखी दादरी। काइंडली सब्सक्राइब अस एट सर्वम इंस्टीट्यूट ऑन YouTube एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट एनी न्यू नोटिफिकेशन।